morning students, today we will be discuss about part B, subjective or vocational skills, unit 1, introduction to IT, IT is industries ka session 1, what is IT, IT is industry. Last day हम लोग इसी topic से related कुछ important topics के बारे में discuss कर चुके थे. आज हम लोग उसी क्रम में continue करते हुए अगला topic हमारा रहे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों ने आपसे के बारे में डिस्कस किया था. हम लोग कॉल सेंटर तक वर्क क्लियर हो चुका था. नेक्स्ट टॉपिक आपका था है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वीपीओ वेंडर्स. ये वीपीओ वेंडर्स क्या होते हैं? जो वीपीओ वेंडर्स हैं इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो वीपीओ वेंडर्स जो वीपीओ वेंडर्स, या इनको हम कंपनी वीपीओ कंपनी भी बोलते हैं. तो द वीपीओ वेंडर्स द सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनी विच टेक्स द आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी एंड कैरीज आउट द आउटसोर्स फंक्शन सर्विसेज फॉर द कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी इज कॉल्ड द वीपीओ कंपनी वेंडर. वीपीओ कंपनी वेंडर से हमने अभी MRs बताया था, उसी तरह से वो वहाँ से ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे उनको कॉन्ट्रैक्ट और कंपनीज होती हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं. वीपीओ जो कंपनी है और यानी बिजनेस प्रोसेस जो आउटसोर्सिंग है उससे और कॉन्ट्रैक्टर्स को जोड़ने के लिए वेंडर्स का ही होता है, ये उनको यूज़ करते हैं. तो अब इसी में आपका जो the business can achieve total process optimization by the combination the three categories. There are the three categories of the BPO vendors. इसकी three categories हैं BPO vendors की, जिसमें आपकी three categories में आपको first है offshore vendors. Offshore vendors are located outside of the जो आपका first है offshore vendors. Offshore vendors are located outside of the company on own country. Same के देश में जो दूसरी outside company होती हैं उनके लिए, से फॉर एग्जाम्पल USA कंपनी, यूनाइटेड स्टेट की कोई कंपनी है, when outsource its services to BPO company, BPO इतनी services कर रही है in India, भारत में. बहुत सारे विदेशों की जो कंपनियाँ हैं वो भारत में भी हैं तो वो offshore vendors कहलाते हैं. Then the Indian BPO company in the offshore vendor for the US company. क्योंकि वो offshore vendors है वो US की company के लिए work कर रहा है यहाँ पर. Second आता है near shore vendor. Near shore vendors are located in the neighboring countries of the contracting company's country. यानी जो हमारे पड़ोसी देशों की जो कंपनियाँ हैं उनको located हैं वो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज कंट्री, जो कंपनी देश की कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. जैसे एन इंडियन कंपनी, एक इंडियन कंपनी भारत की कंपनी जो आउटसोर्सिस करती है सर्विसेज और ऑपरेशंस करती है टू द नेबरिंग कंट्रीज लाइक भूटान, दूसरे बड़े देश के लिए लाइक भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार, इनके लिए. देन द BPO वेंडर्स, तो BPO वेंडर्स विल बी द जो है वो नियर सोर्स वेंडर्स कहलाएगा फॉर द इंडियन कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के लिए. थर्ड आपका वेंडर्स जो है कैटेगरी वेंडर्स है वो है ऑनशोर वेंडर्स. ऑनशोर वेंडर्स सेपरेट विद इन द सेम कंट्री, उसी कंट्री से सेपरेट एज अ कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए. इफ एन इंडिया, जैसे यदि भारतीय कंपनी से एज अ दिल्ली जैसी है बेस्ड कंपनी कोई भी है आउटसोर्सिंग इट्स सर्विसेज ऑपरेशंस टू अनदर इंडियन कंपनी, यानी एक देश की दूसरी भारतीय कंपनी से कॉन्टैक्ट करती है एन सिटी में, एक शहर में ऑन भारत के अंदर, तो द आउटसोर्सिंग कंपनी ऑफ ऑनशोर वेंडर्स उसको क्या बोलेंगे, ऑनशोर वेंडर. यानी एक ही देश में दो कंपनियां एक ही शहर में अगर वो करती हैं तो वो कॉन्टैक्टेड करती हैं तो वो क्या कहलाती है, ऑनशोर. नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है VPM इंडस्ट्री. अभी आप लोगों ने हम लोगों ने डिस्कस किया था BPO इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, अब आता है आपका VPM इंडस्ट्री. VPM मीन्स
बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, जो हमने भी आपको एक एग्जांपल स्कूल का देकर के हमने नेक्स्ट क्लास में बताया था, वही प्रोसेस आपका है। द वीपीएम इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व द आउट ऑटोमेटिंग द कोर टास्क, क्योंकि ये कोर टास्क कर रहा है, नॉट द ऑपरेशन टास्क। ये ऑपरेशन टास्क नहीं करता है, मेन टास्क होता है। ऑपरेशन कौन करता है? बीपीओ करता है। इसका केवल होता है उसको अरेंज करना। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी दुकानदार ने हमको कोई गिफ्ट दिया, पैक करके दे दिया, तो उसका ऑपरेशन को घर पर ला के हम उसको अलग करेंगे, उसमें से निकालेंगे, उसने से पैक दे दीजिए हमको, या कंपनी से पैक करके आया है, उनका वर्क क्या मैनेज करना, उसको सही रख रखाव में उसको कस्टमर से पहुँचाना है। बिजनेस प्रोसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी यूजिंग द स्ट्रेटजीज एंड टूल्स विच मे और मे नॉट इन्वॉल्व द टेक्नोलॉजी, तो वो स्टडीज करने के लिए टूल्सों का उपयोग कर सकते हैं और नहीं भी करते हैं, तकनीकी के साथ कर सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बीपीओ को करना होता है, बीपीओ इंडस्ट्री को वर्क होता है। वीपीएम इंडस्ट्री वर्क्स टू इम्प्रूव ऑर्डर, क्योंकि वो मैनेजमेंट कर रहा है तो ऑर्डर पर इम्प्रूव करेगा। उसका ऑर्डर होगा, अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसका ऑर्डर बताएगी, अगर इसमें ये कर दिया है तो वो कंपनी उसको क्या करेगी, ऑर्डर बेस पर उसको इम्प्रूव करेगा। इनसाइट द एफिशिएंसी ऑफ द कलेक्टिव द वर्क फ्लोज, वर्क फ्लोज के आधार पर ही करेगा विद इन द बिजनेस प्रोसेस इफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के द्वारा जब कोई व्यूज वगैरह आएंगे तब करेगा। वीपीएम इज मीन्ट टू रिड्यूस एनी टोस विद इन दोज कलेक्टिव वर्क फ्लोज दैट मेक अप ए प्रोसेस, एलिमिनेट ओ एच ओ सी वर्क फ्लो मैनेजमेंट। तो उसको एलिमिनेट कब करेगा, जब उसको वर्क प्रोसेस को, जब उसके व्यूज सही आ जाएंगे, ऑर्डर्स के द्वारा आ जाएंगे, तब उसको करेगा। तो यहाँ पर कुछ जो आउटसोर्सिंग सर्विसेज हैं वीपीएम के लिए वो दी गई हैं, बैक ऑफिस ट्रांजेक्शन्स आपका यहाँ पर दे रखा है, ट्रांजेक्शन्स जिसमें आपका चेक क्रेडिट कुछ आपके यहाँ पर इंडस्ट्री वो दे रखे हैं, जिसमें आपका बैक ऑफिस ट्रांजेक्शन से, इसमें चेक क्रेडिट्स एंड डेबिट्स, कार्ड प्रोसेसिंग चेक करना, कलेक्शन को, रिसीवेबल्स जो आ रहे हैं वो, डायरेक्ट द इनडायरेक्ट जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको, ट्रांसपोर्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन इसका ये वर्क देखना, लॉजिस्टिक्स और डिस्पैच हैं, और जो आपके वेयर हाउस मैनेजमेंट उनको देखना, ये सारा वर्क बीपीएम इंडस्ट्री के अंदर होता है। सेकेंड आपका था आईटी एंड सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस, जो आईटी सेक्टर्स के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस होते हैं, उनको देखना, उनको टेक्निकल सपोर्ट्स फंक्शन को करना, जैसे एप्लीकेशंस डेवलपमेंट और टेस्टिंग करना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज का यूज़ करना, आईटी हेल्प डेक का करना, यूज़ करना। और उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नॉलेज सर्विस, इसको बोलते हैं केपीओ, एक आपका केपीओ बड़ा रहता है, बीपीओ वीपीएम केपीओ, तो जो के नॉलेज सर्विसेज है जो अब क्या कहलाता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग केपीओ। द आउटसोर्स सर्विसेज मेनली इंक्लूड हायर लेवल प्रोसेस, ये हायर लेवल प्रोसेस के लिए यूज़ होती है बीबीएम में, क्योंकि ये बिजनेस जो प्रैक्टिस है कॉन्ट्रैक्टिंग है कोर होता है वो एक्सपीरियंस बेस्ड हो, टास्क वर्क प्रोसेस के लिए किया जाता है, एक्सटर्नल सर्विसेज के लिए प्रोवाइड कराती है जो आपका बीपी होता है, जिसमें डाटा एनालाइसिंग है, ठीक है, क्योंकि नॉलेज बेस्ड है ना, इसलिए डाटा माइनिंग है, डाटा एंड नॉलेज मैनेजमेंट क्या है, इंटरनेट एंड वेब रिजल्ट रिसर्च है, कैसे उनको रिसर्च किया, उनके डेवलपिंग और इंफॉर्मेशन, गवर्नेंस प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, प्रोवाइडिंग द वॉइस ऑफ कस्टमर्स फीडबैक, और इनके द्वारा क्योंकि नॉलेज तो होगा, नॉलेज के माध्यम से जो कस्टमर के द्वारा फीडबैक उनका की क्या फीडबैक, उससे वहाँ तक उनकी बात को पहुँचाना,
नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है द स्ट्रक्चर ऑफ आईटी वीएबीएम इंडस्ट्री। कुछ आपकी स्ट्रक्चर भी है, स्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम्स में जो आपका स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। हम जब स्ट्रक्चर को बना तैयार करते हैं तभी हम किसी भी इंडस्ट्री बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ भी जो मेकिंग होती है वो भी सब उसी स्ट्रक्चर पर डिपेंड होती हैं। देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर द पार्ट ऑफ द आई टी वी पी एम। बहुत सारे पार्ट्स हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज के पार्ट हैं। दे आर वेरी फ्रॉम देयर साइज ऑफ द सेक्टर्स वेयर दे आर ऑपरेटिंग्स। बहुत सारे इनके साइज पर डिपेंड होते हैं, इनकी जो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के यानी ऑपरेटिंग्स किस तरह से उनको ऑपरेट कर रहे हैं, टू द जोग्राफिक स्पीड पूरे मतलब वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबलाइजेशन किचन में कैसे स्पीड फैले हुए हैं कैटर्स उनके, एंड द साइज ऑफ द ऑपरेशंस द कैटर्स, उनके कैटर्स के जो कैटेगरीज हैं के उनके जो ऑपरेशंस के जो साइज है वो साइज क्या है। अब ये किस पर डिपेंड करते हैं, बेस ऑफ अबव पैरामीटर, कुछ पैरामीटर दिए गए हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को आई टी वी बी एम इंडस्ट्री में उनको कैटेगराइज किया जाता है। तो स्ट्रक्चर्स में फर्स्ट है आपका मल्टीनेशनल कंपनीज। तो MNCs जो हैं मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। मल्टीनेशनल्स का मतलब होता है जहां पर बहुत सारे जैसे एक ही हेडक्वार्टर्स हो, बहुत सारे कंट्रीज से जुड़ी हों। मल्टीनेशनल कंपनीज आर दोज विच हैव हेडक्वार्टर्स इन वन कंट्री, एक देश उनका हेडक्वार्टर होगा और एनी वेयर इन द वर्ल्ड, मतलब वो विश्व में कहीं पर भी हो सकता है, बट दे ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशंस वर्ल्ड वाइड। लेकिन वो अपने मल्टीपल लोकेशन जहाँ पर उनके एरियाज होंगे जो कंट्रीज होंगी वहाँ से वो अपना वर्क कर सकते हैं। दे कैटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट्स बोथ डोमेस्टिक एंड द ग्लोबल, दोनों घरेलू रूप से भी और ग्लोबलाइजेशन सबसे कैटर्स जो एक्सटर्नल क्लाइंट्स को उनको जोड़ सकते हैं। सेकेंड आपका आता है इंडियन सर्विसेज प्रोवाइडर्स, इसका नाम भी आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर में आप लोग पढ़ चुके हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये भी सर्विस प्रोवाइड, ये भी हमारे पैरामीटर्स ही होते हैं, इन्हीं की हेल्प से हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो संचालित होता है। स्पेसिफिकली दोज ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर इंडिया भारत में, बट ऑफिसेज एट मैनी इंटरनेशनल लोकेशन, लेकिन इसके बहुत सारे ऑफिसेज हैं वो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लोकेशंस में, यानी विश्व में अलग अलग दूसरे देशों में भी हैं ये। दीज कंपनीज सर्व टू बोथ डोमेस्टिक, यानी डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, घरेलू मतलब इंडिया भारत के अंदर है जब है तो भारत भाई इंडियन जो अब डोमेस्टिक इंडियन क्यों आ गया, क्योंकि वो कंपनी यहीं से भर है, यहीं हेडक्वार्टर्स है, एज वेल एज द ग्लोबल क्लाइंट। ग्लोबल क्लाइंट का मतलब जो अन्य ऑफिसेज वाले जुड़े हुए हैं पूरे वर्ल्ड में जुड़े हुए हैं वो क्लाइंट्स कहलाएंगे, तो वो सर्वाइविंग ओनली टू द डोमेस्टिक क्लाइंट्स, तो वो कुछ समय के लिए सर्वाइविंग करेंगे केवल किन के लिए, टू डोमेस्टिक क्लाइंट्स के लिए, तो वहाँ से वो सर्वाइव उनको जो हमारे जो यहाँ के डोमेस्टिक क्लाइंट्स भी होंगे इंडिया के अंदर भी होंगे उनको भी सर्वाइविंग करेंगे, वो लोग भी करेंगे जो अन्य देशों के लोग हैं। थर्ड पॉइंट आपका आता है, थर्ड पैरामीटर्स ऑफ दिस ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स GIC से बोलते हैं, फुल फॉर्म्स वगैरह ये ध्यान रखें हम लोग। समटाइम्स वी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो क्रिएट देयर ओन सब सेडरी कंपनीज, खूब सबसेडरी अपनी स्वयं की बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपकी छोटी अपनी कंपनियाँ बनाती हैं, डेट एक्सक्लूसिव प्रोवाइड सर्विसेज ऑन पेरेंट कंपनियों को, जो सर्विस प्रोवाइड कराती है जैसे कोई बड़ी कंपनी हो गई, अब उनके सारे मटेरियल कुछ मटेरियल बाहर से आ रहा है दूसरी कंपनी विदेशों से ला रहे हैं, अब उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम इसकी, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट बहुत बड़ा प्रोडक्ट है लेकिन बड़ा प्रोडक्ट छोटे प्रोडक्ट से मिलकर के बनेगा अलग पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर्स वगैरह ही बनते हैं आपके, या आपका मोबाइल फोन्स हैं व्हीकल्स वगैरह हैं, इनके क्या होते हैं इनका मोनोग्राम्स बना ले, इनका पूरा स्ट्रक्चर बना करके कुछ अदर्स कंपनीज के जो पार्ट्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, तो ये लोग अपनी जो कुछ क्लाइंट्स कंपनी बना लेते हैं, क्लाइंट्स कंपनी में बना लेते हैं क्योंकि वहाँ से उन्होंने मान लीजिए कुछ उस व्हीकल्स का या उस प्रोडक्ट का कोई पार्ट्स उसको यूज़ कर रहे हैं, तो अपनी छोटी कंपनी में भी उन पार्ट को बनाने लगेंगे तो उनको क्या होगा डबल बेनिफिट्स होगा, तो इस तरह से ये जो ग्लोबल इनहाउस सेंटर्स बना लेते हैं, इसलिए इनको GIC कॉल, तो
जैसी ऑर्गेनाइजेशन नेवर सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट्स, क्योंकि फिर ये क्या करते हैं, नेवर सर्व, कभी नहीं सर्व करते एक्सटर्नल क्लाइंट्स को, जो अन्य क्लाइंट्स हैं उनको नहीं करते हैं, बट दे आर डेडिकेटेड टू सर्वाइविंग देयर ऑन पेरेंट कंपनी, लेकिन अपनी पेरेंट कंपनी को, अपनी पेरेंट कंपनीज को उनको सर्वाइविंग करते हैं। जैसी हेल्प द कंपनी कीप इट्स आईटी, क्योंकि ये आईटी ऑपरेशन से ही इन हाउस इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, इससे कॉस्ट इफेक्टिव बढ़ेगी, क्योंकि जो हमारी कंपनी, हम ही ने उसको टेंडर्स कर दिया, उसकी को दूसरी कंपनी को करा दिया, जैसे कोई भी स्कूल बनी, सपोज अपना स्कूल है, उसकी कोई छोटी ब्रांच खुल जाए दूसरी बगल में, तो क्या होगा, यही ये पेरेंट्स हो जाए वो क्लाइंट हो जाएगी, तो ये उसको सपोर्ट कर, उसको सारे बेनिफिट देगा और वो सपोर्ट इनको करेगा। सपोर्ट कैसे करेगा, सपोज प्राइमरी सेक्शन अलग कर दिया जाए तो सपोर्ट कैसे करेगा, प्राइमरी का जो लास्ट क्लासेस होगा उसके सारे स्टूडेंट्स हैं वो, उनका प्रयास ये रहना चाहिए कि एक भी बच्चा बाहर नहीं जाए, सारे स्टूडेंट्स वो ट्रांसफ़र कहाँ हो, हमारे सीनियर बैंक से होने चाहिए, तो ये सपोर्टेड होता है। इसी तरह से जो क्लाइंट्स कंपनी होती है वो उनको सपोर्ट करती हैं, बिग कंपनियों को, तो वो एक्सटर्नल सर्वाइविंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एप्लीकेशंस ऑफ आईटी, एप्लीकेशंस ऑफ आईटी। इन 1950s कंप्यूटर्स वर गेंट स्पेशल पर्पस ऑफ मशीन्स दैट वर यूज्ड बाय द हग इंस्टीट्यूशंस लाइक गवर्नमेंट्स एंड यूनिवर्सिटीज। याद होगा कि एप्लीकेशन जो आईटी का क्षेत्र था वो 1950 में, आईटी इंडस्ट्री तो 90 के आसपास बनी जाए, लेकिन 50 में कंप्यूटर्स का यूज़ बहुत कम था, ये स्पेशल पर्पज़ मशीन्स के लिए यूज़ किए जाते थे। कहाँ पर किए जाते थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो गवर्नमेंट्स होते थे, या यूनिवर्सिटीज़ में, डिफेंसिस वगैरह में, यहाँ पर, एंड दे वर यूज फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल टास्क सच एज द कैलकुलेटिंग द प्रीसियस ऑर्बिट ऑफ द मास, प्लानिंग्स ऑफ द, और बहुत सारी मिसाइल्स वगैरह इनके लिए यूज़ किए जाते थे। लेकिन इन 1960 में, और 1960 में क्या हुआ, बिजनेस वर्ल्ड स्टार्ट हुआ यूजिंग द कंप्यूटर्स की हेल्प से फॉर कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए। 1950s में आपका इंस्टीट्यूशन हुआ, यहाँ पर ये कॉमर्शियल पर्पज़ की हुआ, और इन 1970s में द इन्वेंशन ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर, फिर ये कंपनी, इनका रेवोल्यूशन हुआ पूरे वर्ल्ड में, और आज कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज नियरली एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में जितने भी फील्ड हमसे जुड़े हुए हैं, सभी फील्डों में इस कंप्यूटर का यूज है, वो होने लगा है। देयर आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स आर बीइंग लिस्टेड बिलो। बहुत सारे ये आपके एप्लीकेशंस हैं जो अलग अलग एरिया से जुड़े हुए हैं, जिनका यूज़ किया गया, बहुत सारे हैं। बिजनेस कंप्यूटर के बिजनेस पर्पज़ के लिए, ट्रांजेक्शन्स आपका व्यापार करने के लिए बिजनेस के रूप में यूज़ किया गया, आपका मेडिकल्स एंड हेल्थ केयर्स, मेडिकल्स के क्षेत्र में आपने देखा कितना डेवलप हुआ, जहाँ पर मशीनें नहीं थी, आपके पैथोलॉजी सेंटर्स पे मशीन नहीं थी, वैसे एग्जामिन किए जाते थे, आज हमारे MRI से लेकर के बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है वो उनके मशीनों के द्वारा उनका यूज़ होने लगा है। तो हेल्थ केयर सेंटर में भी डेवलपमेंट हुआ है, कम्युनिकेशन रिलेटेड, कम्युनिकेशंस है, और भी बहुत सारे ऐसे
इस तरह से बहुत सारे चेंजिंग थे, जो वो चेंजिंग आते रहे। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपका, आज हम लोग इंटरनेट के माध्यम से चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बहुत सारे कम्युनिकेशन का आपके आपका डेवलप हुआ। एजुकेशन डिफरेंस, एजुकेशन से शिक्षा के क्षेत्र में भी आज हम किसी भी प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर्स के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी चीज के क्षेत्र में भी आपका हुआ। साइंस एंड रिसर्च इंजीनियरिंग, साइंस के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ, नए नए इन्वेंशंस हुए, आविष्कार हुए, खोजें हुए, रिसर्चें की गई, इंजीनियर्स के द्वारा नई नई तकनीकों का उपयोग किया गया। आज हमारा पूरा आईटी सेक्टर साइंस और इनकी वजह से डेवलपमेंट होता चला गया। लॉ इन्फोर्समेंट, बहुत सारे लॉज वगैरह, नियम रेगुलेशन, नियम बनाए गए पोस्ट करने के लिए। इसके द्वारा आज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा हम लोग उसके में आ गया। गवर्नमेंट्स के जो प्रोग्रेसिव सिस्टम से वो आईटी क्षेत्र में, इसी के द्वारा कंप्यूटर के क्षेत्र में डेवलपमेंट्स हुआ। बैंकिंग्स में जहाँ पर आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पर कम एम्प्लॉई बेस, उनकी संख्या को कम करके और वहाँ वर्क किया जा रहा है। विद इन ए सेकेंड्स में हमारा ट्रांजेक्शन्स हो जाता है, ऑनलाइन घर करके हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मिलिट्री सिस्टम्स में मिसाइल्स वगैरह जिनमें टाइमिंग सेट करने के लिए पूरा एक दूसरे कंट्रीज का है, दूसरे अपोजिट पार्टी का, उसको टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, ये सब मिलिट्रीज वगैरह में, इनमें भी बहुत सारी प्रोग्रेस हुई। ट्रेवल एंड टिकटिंग, हमारा जो कंप्यूटर्स के माध्यम से ट्रेवलिंग्स, घर बैठ करके हम टिकट बुक करा सकते हैं। ट्रेवलिंग्स, एयरलाइंस हो, रेलवे लाइन्स हो, या ऑन रोड्स रोड लाइन्स हो, किसी के द्वारा हम वहाँ पर जाने के लिए हमारी टिकट्स वगैरह बुकिंग हो जाती है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नई नई तकनीकियों के माध्यम से हम एक छोटे छोटे पॉइंट्स को भी वहाँ पर उनके फॉल को देख सकते हैं। किसी भी जो स्पोर्ट्स गेम्स हमारे, वो देख क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, किसी में वो टेक्निकल के माध्यम से उसको छोटे छोटे को देख लेते हैं। पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग्स, आज हमारी बुक्स वगैरह जिनको हम टाइपिंग करने में उनको समय लगता था, आज हमारा कंप्यूटर सिस्टम से अच्छी क्वालिटीज़ है, एक बेहतर क्वालिटीज़ में, और आपका सारा मटेरियल्स आपको प्रिंटिंग वगैरह भी होती है, नई नई बुक्स वगैरह को पब्लिशिंग करना। इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में म्यूजिक, आर्ट्स, डांस, इंटरटेनमेंट्स, और इसके अलावा हमारा जो म्यूजिक है, आज से कई वर्षों पहले म्यूजिक्स में उसमें सिंगर्स की साउंड को देखा जाता, आज हमारे टेक्निकल माध्यम से हम उस साउंड को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल बना करके उसकी अच्छी यूज़ कर देते हैं। आर्ट में डिज़ाइन करके, आर्ट में डिज़ाइन, या मेकअप सिस्टम्स में भी है। मेकअप्स के द्वारा जिस तरह से हम बिल्कुल उसके जो एक्चुअल पोजिशन, उसको हम बिल्कुल चेंज कर देते हैं, उसी प्रकार से डांस वगैरह तो उसके द्वारा तकनीकी के माध्यम से इंटरटेनमेंट से हम लोग वीडियोस वगैरह, मीडिया सिस्टम्स है, ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटर्स के एप्लीकेशंस में हमको देखा करते हैं इनको। बहुत सारे पर्पस दे रखे हैं इसमें, ये आप लोग बिजनेस में देखो, पेरोल से कैलकुलेशंस है, बजटिंग है, सेल्स एनालिसिस है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग्स है, ये सब क्या बिजनेस पर्पस के लिए है। मेंटेनेंस स्टॉक्स है, ऑटोमेटिक कस्टमर्स हैं। नेक्स्ट आपका मेडिसिन और हेल्थ केयर में जो आपका इलनेस डायग्नोस होते हैं वो आपके टॉपिक में है। मॉनिटरिंग पेशेंट्स की हो सकती है, सर्जरी हो सकती है, यूजफुल टूल्स की वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम में ईमेल, चैटिंग। एजुकेशन के क्षेत्र में टीचिंग एड्स हैं, ऑनलाइन टीचिंग है, वर्चुअल लाइब्रेरीज हैं, ये सब हम प्रोवाइड करा दी हैं। डेमोनस्ट्रेशन है, कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटीज़ है, डिस्टेंस एजुकेशन और वर्चुअल क्लासरूम्स भी हैं। इसमें डिस्टेंस में मॉडर्न कम्युनिकेशन में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग पॉसिबल अपनी घर बैठकर के पढ़ाई कर सकते हैं। रिसर्च पर्पज़ है,
और साइंस रिसर्च में एनालिसिस डाटा है, मॉडलिंग्स है, कैट कंप्यूटर एड्स में डिजाइनिंग से बोलते हैं कैट्स, और आपका सीएई है, इसको कंप्यूटर एड इंजीनियरिंग बोलते हैं, सीए में कंप्यूटर एड मैनेजमेंट्स है या मैन्युफैक्चरिंग में, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, कोसमोस ऑस्टोमियस स्टडीज़ वगैरह हैं, लॉ फॉर इन्फोर्समेंट में डाटा एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशंस है, पैटर्न मैचिंग है, हाई स्पीड कैमराज हैं, गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विसेज में, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड पर डिपेंड होता है, ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं, सेंसर्स वर्क से हमारा जनगणना वर्क रिलेटेड है, इकोनॉमी की रेट है, ग्रोथ के बारे में जानकारी मिल जाती है, टैक्स प्रोसेसिंग है, बजटिंग है, रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड में कैसे रखने चाहिए, स्कीम इम्प्लीमेंटेशन रिकॉर्ड्स हैं, डिजिटल लॉकर्स हैं जो बैंकों में होती हैं, डिजी लॉकर सिस्टम्स होते हैं जो जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से इसको बंद कर सकते हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस में, अकाउंट मेंटेनेंस में, ऑनलाइन नेट बैंकिंग कर सकती हैं, एटीएम सिस्टम्स हैं, ऑडिटिंग्स वगैरह होती है जो रिकॉर्ड वगैरह की ऑनलाइन हो सकती है, मिलिट्री सिस्टम्स हैं, मिलिट्री में ट्रेनिंग्स होती है, कंप्यूटर सिमुलेशन है, कम्युनिकेशंस है, क्रिटिकल टास्क और डिसीजन ड्यूरिंग द कॉम्बैट समय में हो सकते हैं, डिसीजन वगैरह रहती है, वेदर कंडीशंस हो या वेपन पोजिशंस प्रॉब्लम हो उसको डिसीजन लिया सकते हैं, आईटी एप्लीकेशन मार्केटिंग में इट इज़ यूज, आईटी यूज फील्ड मार्केटिंग हैज़ द मीट ऑफ द मार्केटिंग्स, इन मार्केटिंग में कस्टमर जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है इसको सीआरएम बोलते हैं, कैप्चरिंग कस्टमर्स इंफॉर्मेशन कर सकती हैं, व्यूइंग सेल्स हिस्ट्री आ सकती है, कस्टमाइजिंग प्रमोशंस हो सकते हैं, ट्रैक शिपिंग और कस्टमर सेटिस्फेक्शंस हैं, तो ये मार्केटिंग से हो सकते हैं, प्रीडिंग पैटर्न्स है, सेल्स फोर्स कास्टिंग्स है, स्पोर्ट्स में आपका मोटर लर्निंग है, फिटनेस आपका है, स्पोर्ट साइकोलॉजी है, पी एजमेंट्स हैं, ये सब किस में आ जाते हैं आपके, ये स्पोर्ट्स वगैरह में आते हैं, पब्लिशिंग एंड द प्रिंटिंग्स में मॉडर्न कंप्यूटर प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल हेल्प टू प्रिपेयर कंटेंट पब्लिशिंग, प्रिंटिंग इमेजेस है, इलस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, डिजिटल डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशर प्रिंटिंग्स हैं, उनके माध्यम से हम कर सकते हैं, जिसमें आपका टेक्नोलॉजिकल डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है DTP से बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ऑटोमेटिक प्रिंटर्स होते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है जिसमें ई बुक्स है, ई जर्नल्स है, डिजिटल बुक्स हैं, म्यूजिक आर्ट्स और डांस इन्वायरमेंट में भी कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पावरफुल इफिशेंट्स आर्टिस्ट उसमें फील्ड्स होते हैं, म्यूजिक है, डांस के लिए भी बेनिफिशियल्स फॉर्म होती हैं, कंप्यूटर्स का बहुत सारी जिसमें डांस के रिकॉर्डिंग्स में कंप्यूटर बहुत सारे आप देखा होगा कि म्यूजिक है उस पर दूसरी हम साउंड को डाल सकते हैं, ये सारे सिस्टम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के माध्यम से बने हैं, डिजिटल आर्ट क्रिएशंस हैं, आर्ट प्रिजर्वेशन है, डिजिटल फोटोग्राफी है, तो ये आज सारे सिस्टम्स आपके, आज आपका ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, नेक्स्ट डे पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या, नेक्स्ट आपका जब भी सेशन होगा उससे रिलेटेड टॉपिक्स बारे में डिस्कस करेंगे, थैंक्स, हैव ए गुड डे।